दोस्तों, अगर एक छोटी सी मुस्कुराहट से हमारी तस्वीर अच्छी हो सकती है तो सोचिए अगर हम पूरे जीवन भर ऐसे ही मुस्कुराते रहें तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष अपने विचार लेकर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो भी क्या दिन थे जब हम कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ बैठकर अजीबोगरीब बातों पर हंसी ठहाके लगाते थे, जहाँ ना कोई रोक टोक थी, चाहे जितनी तेज हम हंसे। अब कभी हमने सोचा है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितनी बार हम खुलकर हंसे हैं? शायद दिन में एक बार, नहीं नहीं, हफ्ते में एक या दो बार, शायद यही सही है, क्योंकि बात खिलखिला के हंसने की हो रही है। दोस्तों, अपनी हंसी रोककर सिर्फ मुस्कुराने की नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा चिंता समाज की होती है कि कहीं ज़्यादा खिलखिला के हंसे तो लोग ये ना कहें कि पागल हैं हम। अरे कहने दो, हाँ हो गए हैं पागल हम। अरे हम खिलखिला के हंसना चाहते हैं, और अगर खिलखिला के हंसी आ रही है तो क्या करें, हंसे नहीं, ये क्या बात हुई? और इस समाज की सबसे कड़वी सच्चाई कि खिलखिलाकर हंसने पर महिलाओं पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध रहता है। लोगों को लगता है कि खिलखिलाकर हंसने वाली बात तो हम बोल सकते हैं, पर सामने वाली महिला उस पर हंस दी तो वह फूहड़ हो गई, उसमें संस्कार नहीं है, बड़ों का अदब करना नहीं आता, जाने क्या क्या। अरे महिलाएं भी इंसान हैं भाई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हंसने वाली बात पर हम सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, जैसे अगर किसी ने कोई चुटकुला सुनाया तो हम सिर्फ मुस्कुरा दिए। अब चुटकुला सुनाने वाला भी कंफ्यूज कि मैंने चुटकुला ही सुनाया था या कुछ और। और दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उनसे हंसी मजाक में कोई बात हम कर रहे हों तो वो चिढ़ जाते हैं, ना खुद खुश होते हैं और सामने वाले का मूड खराब कर देते हैं वो अलग। नहीं भाई, अगर खुलकर हंसने की बात है कहीं भी तो खुलकर हंसिए। दोस्तों, आजकल इतना तनावग्रस्त और व्यस्त जीवन है हमारा कि हमें जीवन का वास्तविक आनंद उठाने का समय ही नहीं मिलता। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी खुशी मिल जाए तो खुलकर मनाओ, खूब हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम अपने इतने वर्ष के जीवन काल में कब सबसे ज़्यादा हंसे? बिल्कुल सही, बचपन में। बचपन में कोई समाज, कोई चिंता, किसी को नहीं जानते थे हम। हम अपने में ही मगन रहते थे और खुश रहते थे। यह सच है कि आजकल चिंताएं ज़्यादा हैं, पर जब सबके लिए समय है तो हंसने के लिए क्यों प्रतिबंध? जब माथे की शिकन हटानी है तो थोड़ा होठों को स्ट्रेच कीजिए, अभी ट्राई करके देखिए। अगर हंसेंगे तो माथे की शिकन ज़रूर हटेंगी, ज़रूर गायब हो जाएंगी। तो हंसिए, एक बार हंस के तो देखिए, और आप हंसते रहिए। इसके साथ साथ मैं पद्मश्री हास्य सम्राट काका हाथरसी की कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। भोजन आधा पेट कर दोगुन पानी पीवा, तिगुन श्रम चौगुन हंसी, वर्ष सवा सौ जीवा। इन पंक्तियों से आपको समझ में आ गया होगा कि सारे काम भले ही कम करो, लेकिन हंसी उन सब कामों से ज़्यादा आप हंसो। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे विश्व के बहुत से देश मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी शुरुआत 1998 से मुंबई से हुई थी, हाँ हमारे भारत से, और इसका श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है। ये दिन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि शायद हम लोग खुलकर हंसना भूल गए हैं। अरे नहीं, अपनी आदत डालिए हमेशा खुश रहने की, हंसने की। हंसना तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हंसने से हम यंग और खूबसूरत दिखते हैं, हमारा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और हमें जल्द ही कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है, शरीर में फुर्ती बनी रहती है। हंसने से हमारा इम्यून सिस्टम यानी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बेहतर होती है। दोस्तों, अगर आप आज से ही हंसने की आदत डाल लें तो आप देखना आपको रात में चैन भरी नींद आएगी,
क्योंकि हंसने से हम कुछ हद तक चिंता मुक्त हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, खुलकर हंसने का अपना एक नियम बना लें। यदि आपको समाज की इतनी ही चिंता है तो एक तरीका बताती हूँ मैं आपको। घर की छत पर जाइए और 2 मिनट तक खुलकर हंसिए, और ऐसा प्रतिदिन कीजिए, फिर देखिए अपने जीवन में अंतर। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम 3 मई का ही क्यों इंतज़ार करें, यानी कि मई के पहले रविवार का ही क्यों इंतज़ार करें। अभी हंसिए, हंसिए और खुलकर हंसिए। हाँ, हंसिए तो ज़रा, हंस कर दिखाइए।